नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, प्रदेश के इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर के मोदी मैदान से बीजेपी का चुनावी विजय शंखनाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और सभी बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी रैली को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रैली के संयोजक खिलेंद्र चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय क्यानपुरा ने। उत्तराखंड में बीजेपी विजय चुनाव सिंहनाथ करने जा रही है। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी, जो इस प्रधानमंत्री की रैली के संयोजक भी हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ खास बीजेपी ने उनकी रैली के लिए रखा। सर, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ उनके लिए इस बात खास रहने वाला है? अभी यहाँ से किस तरह का मैसेज देंगे ताकि उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की जो सीटें से लगती हुई वो बीजेपी पास। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का आना हमेशा उत्तराखंड के लिए सौभाग्य का विषय रहा है और जब भी मोदी जी आए हैं तो आज तो चुनाव का बिगुल है, आचार संहिता लगी है, लेकिन मोदी जी ने उत्तराखंड को बहुत दिया है और मोदी जी का बहुत स्नेह और प्रेम उत्तराखंड से रहा है। जब जब मोदी जी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने पहले भी कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ऐसा विजन के साथ मोदी जी हमेशा उत्तराखंड आते हैं। मैं निश्चित रूप से आज जो विजय संक्रांत रैली हो रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 1 लाख से अधिक संख्या इस रैली में रहने वाली है और जो हमारी नैनीताल लोकसभा सीट है और जो हमारी अन्य सीटें हैं, सारी सीटें हमारी 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। तैयारियों का आप जायजा देख सकते हैं, माननीय कल मुख्यमंत्री जी भी ने भी तैयारियों का जायजा लिया था। बाकी परिस्थितियां आपके सामने है, मैं आज और 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपको पता लगेगा किस तरीके से जनसैलाब इस रैली में आ रहा है। ये ग्राउंड तो पहले गांधी के नाम, गांधी मैदान के नाम से जाता है, तो मोदी मैदान के नाम से इसको जाने लगा है, इसका मतलब मोदी जी को ज्यादा जोर लगा रहा है। देखिए, पहले पूरे देश को कांग्रेस के नाम से जानते थे लेकिन आज भाजपा के नाम से जानते हैं। पूरा देश आज भाजपा में है, पूरे देश के अंदर भाजपा का वातावरण है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने अगर इस मैदान का नाम मोदी मैदान पड़ा है तो आज तक के इतिहास में जब जब मोदी जी आते हैं तो हमेशा ही फील्ड भर जाता है, तो ये दिखता है, इसी वजह से इसका नाम मोदी मैदान पड़ा है। तो बातचीत करने के लिए और ये कहा जा सकता है उत्तराखंड की इन 5ों लोकसभा सीटों में से आज विजय बीजेपी जाने जा रही है, इस रैली से यहाँ पर होगा और उत्तराखंड की 5ों लोकसभा सीटों को बड़ा मैसेज देने का किया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में रुद्रपुर में आ रहे हैं, जहाँ पर मोदी मैदान रुद्रपुर के बीच बहुत ज्यादा है, बीचों बीच केंद्र में है। आज वहां पर अपना चुनावी संकनाथ का ऐलान यहाँ पर करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा इसे इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड से हमेशा ही रहा, ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड की जो जनता है उनका प्यार इसमें प्रधानमंत्री के प्रति और आज यहाँ पर बढ़ने लगता है। आज इसी का लाभ बीजेपी यहाँ पर इस चुनाव में लेना चाहती है। बीजेपी की तरफ से इस प्रधानमंत्री को इस रैली को सफल बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। रुद्रपुर मैदान को किस प्रकार से आम जनता के लिए भरा जा सकता है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने कर ली गई है। लगभग 1 लाख भीड़ को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से यहाँ पर रखा गया ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके। चुनाव में जो बीजेपी का जो संदेश है कि जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी की नीतियों से खुश है, बीजेपी सरकार की नीतियां उससे खुश है, उसका संदेश देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली से उत्तराखंड की दो लोकसभा सीटें हैं, एक पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है उसका आगाज यहाँ पर करेंगे, दूसरी नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है उसका भी आगाज यहाँ से प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कोशिश यही है बीजेपी संगठन की और बंधु की प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके और प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश यहाँ पर दिया जाएगा कि उत्तराखंड की 5ों लोकसभा सीट और उत्तराखंड से लगी उत्तर प्रदेश की जो सीट है उन पर बड़ा मैसेज देने का यहाँ पर किया जाएगा ताकि बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके। कैमरा मैन रुद्रपुर। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की तैयारियों को लेकर और धार देने के लिए पीएम मोदी का ये भव्य रैली का आयोजन रुद्रपुर में किया जा रहा है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में तैयारियों को एक तरह से जोर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बड़ी रैली करने वाले हैं। विजय शंखनाद रैली इसको नाम दिया गया है।
तो पीएम मोदी की रैली को लेकर, पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही मोदी मैदान है जिसमें कई बार पीएम मोदी यहां आ चुके हैं और इस वजह से इस मैदान का नाम भी मोदी मैदान कर दिया गया है। रुद्रपुर में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की इस मैदान में व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है फिर से एक बार मोदी सरकार। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको देखते हुए अब काफी कम समय है। इसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही अब प्रचार प्रसार को और जोर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे। आज 12 बजे के करीब उनका ये कार्यक्रम है, 12 बजे के करीब उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचेंगे। तो उधम सिंह नगर सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार को जोर देने के लिए आज पीएम मोदी का ये भव्य रैली और कार्यक्रम। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, सबसे पहले अगर बात की जाए, आज उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तराखंड का आज उनका दौरा है, साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार में रुद्रपुर में भव्य रैली और उनका कार्यक्रम है, जनसभा करेंगे, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताएं अभय। ये कह सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनावी जनसभा का आगाज यहाँ पर करने जा रहे हैं। रुद्रपुर में उनकी यह चुनावी जनसभा यहाँ पर होगी, जिसका नाम बीजेपी ने विजय शंखनाद रेड्डी का नाम यहाँ पर दिया है। 2 लोकसभा सीटों के यहाँ से चुनावी शंखनाद होगा, अल्मोड़ा पिथरा लोकसभा सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट। यहाँ से प्रधानमंत्री इस रैली के माध्यम से इन लोकसभा सीटों पर अपना चुनावी शंखनाद करेंगे। मंच पर ये कह सकते हैं कि जो मंच पीएम मोदी के लिए यहाँ पर बना है वो सबसे तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के अल्मोड़ा से प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय कंटा, नैनीताल सीट से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट यहाँ पर मौजूद है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, सौरभ बोगड़ा मंच पर मौजूद है। राज्य कह सकते हैं कि पूरा जो रुद्रपुर का जो मोदी मैदान है, ये मोदी मैदान इस समय पूरा दर्शकों से, लोगों के उत्साह से यहाँ पर भरा हुआ है। लोग पीएम मोदी को सुनना चाहते हैं। अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि 12 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है, 12:45 पर पीएम मोदी का संबोधन यहाँ पर शुरू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पीएम मोदी जब पधारेंगे तो सभी लोग उनको सुनने के लिए आतुर यहाँ पर दिख रहे हैं। लगभग 1 लाख की जनसंख्या यहाँ पर पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने दिया था, उसमें कहा जा सकता है 30-25 हजार के करीब लोग अब तक यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा रुद्रपुर का जो ये मैदान है, ये दर्शकों से, आम जनता से भरा हुआ नजर आ रहा है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने इस चुनावी शंखनाद रैली के माध्यम से लोकसभा चुनाव का बिगुल यहाँ पर टूट रही है। जी अभय, जिस तरह से बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4थी बार होगा जब रुद्रपुर के इसी मैदान से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2017 में भी रुद्रपुर पहुंचे थे, फिर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, फिर 2022 विधानसभा चुनाव के समय और अब फिर से 2024 के समय। क्या माना जाए, आखिर क्यों इतना ज्यादा जो फोकस है या जो चुनाव प्रचार प्रसार की जो शुरुआत हो रही है वो कुमाऊं से, क्योंकि हमने देखा जब इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे तो पिथौरागढ़ में जनसभा की थी, अब जो है रुद्रपुर, कुमाऊं पर इतना फोकस क्यों और रुद्रपुर में आज उनकी मौजूदगी क्या विशेषता इस चीज की? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार रुद्रपुर के इस मैदान पर अपनी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5वीं बार जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं तो बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर जो 5 सीटों पर जो जीत की है वो यहाँ से पूरे करने के काम करेगी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट 2 ऐसी सीटें हैं जिसे बीजेपी ने श्रेणी भी ने यहाँ पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं सीटों पर अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं जिन सीटों पर बीजेपी को थोड़ी बहुत आशंका नजर आती है, यहाँ जहाँ पर बीजेपी का जो ग्राफ है, चुनावी जो वोट है वो यहाँ पर गिरा हुआ हो, तो ये समझा जा सकता है कि इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और इन्हें से जो विजय शंखनाद ले रही है उसका आगाज यहाँ से कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सबसे जो सेफ सीट और विजय सीट जिसे बीजेपी मानती है वो पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट है, जिस पर पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता अनिल बलून को टिकट दिया, तो वहां पर पीएम मोदी की जो जनसभा वो वहां पर नहीं होगी बल्कि उनकी जगह पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा राजनाथ जी अभय, बिल्कुल अभय, तो मंच सज चुका है, तैयारियां पूरी है, आप बने रहे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रुद्रपुर से जुड़ी है बड़ी खबर। पीएम मोदी की चुनावी जनसभा आयोजित होने वाली है, जनता के आने का सिलसिला इस दौरान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी को सुनने के लिए जनता बेचैन दिखाई दे रही है। मोदी मैदान में मंच सजकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में उनका भव्य पहली रैली है, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच सजकर तैयार है, लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। अभय, अगर बात की जाए, पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड पहुंचते हैं हमेशा एक अलग माहौल देखने को मिलता है, जनता में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। और अब जिस तरह से खबर है कि मंच सजकर तैयार है, जनता की बात की जाए या लोगों की बात की जाए, उन्होंने जो है आना शुरू कर दिया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? ये कह सकता है कि मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह नाम आ चुका है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, वो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। और इस बार ये कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर के मैदान पर पांचवी बार जनसभा को संबोधित करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अब भी जनता में जो उत्साह है, वो उत्साह यहाँ पर चरम पर देखने को मिला। उत्साह की कोई कमी यहाँ पर 25,000 से ज्यादा अब तक भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ये उस बात का प्रमाण है कि अभी तक कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे भी नहीं है, और पहले ही यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि अभय, जिस तरह से इस रैली का नाम भी विजय शंखनाद रैली है, क्या माना जाए, कितना ज्यादा ये रैली जो है, क्योंकि पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, जनता को साधने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, कितना कारगर ये रैली साबित होगी माहौल बनाने में चुनाव से पहले? ये कहा जा सकता है कि रुद्रपुर के मैदान पर होने वाली ये विजय शंखनाद रैली उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर भी प्रभाव डालती नजर आएगी। यहाँ पर उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है, लोकसभा सीट और शिखरगंज और नैनीताल लोकसभा सीट, इन दोनों ही सीटों पर तो बीजेपी इस समय अपना जो चुनाव अभियान है वो शुरू करने जा रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो लक्ष्मी सीट है, चाहे आपकी पीलीभीत हो, बरेली हो, या फिर आपके दूसरी जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पर भी खासा प्रभाव प्रधानमंत्री की रैली का देखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री की रैली यहाँ रुद्रपुर में कराने का जो आयोजन है बीजेपी का, यही तो कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी प्रधानमंत्री का जो जादू है, प्रधानमंत्री का जो आकर्षण है, वो यहाँ पर बना रहे, जनता उनके साथ लामबंद हो सके और बीजेपी को इस चुनाव में बड़ी जीत मिल सके, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर एक जनसभा, चुनावी जनसभा यहाँ पर कराई जा रही है। इस सीट के माध्यम से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो पांचों लोकसभा सीट है उसका भी शंखनाद बीजेपी यहाँ पर करने जा रही है। और आने वाले दिनों में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी जनसभा होंगी और प्रदेश के दूसरे स्थानों पर भी देखने को मिलेंगी, और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो स्टार प्रचारक है। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड की जो पांचों लोकसभा सीटें हैं पिछले दो लोकसभा चुनावों से बीजेपी के पाले में है, ऐसे में क्या माना जाए, बीजेपी काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, पांचों लोकसभा सीटों पर पहले फेज में मतदान होना है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या माना जाए, बीजेपी की तैयारियां काफी आगे और कांग्रेस जो है थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है? तैयारियों का अंदाजा आप इस बात से, बीजेपी ने जहां समय से पहले प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया था, प्रत्याशी समय से पहले अपना नामांकन यहां पर कर चुके हैं, और जो उनके जो चुनावी कार्यक्रम है उसमें उनकी चुनावी कार्यक्रम कर यहां पर होने लगे हैं। विपक्ष का अभी तक ये कहा जा सकता है कि प्रचार प्रसार यहाँ पर होना चाहिए था। आप अगर इस समय नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की बात करते तो बीजेपी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को, कांग्रेस के जो पोस्टर बैनर या झंडे वो अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। पूरे रुद्रपुर शहर में इस समय माहौल बीजेपी में यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी भगवान में माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये माहौल और इससे भी बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो चुनाव को जीतने का जो लक्ष्य यहाँ पर वो काफी बड़ा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए ही बीजेपी के जो तमाम नेता वो यहाँ पर अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार ये कह सकते हैं कि 75% से ज्यादा मत हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने का दावा बीजेपी कर रही है, इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता जमीनी स्तर पर काम यहां पर कर रहे हैं ताकि इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं करना चाहते, कम नहीं आंकना चाहते, इसलिए लगातार जो चुनावी प्रचार है, चुनावी अभियान है,
को आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जनता जी। बिल्कुल, अब मंच सजकर तैयार हो गया है, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं मंच पर जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है, इंतजार है पीएम मोदी का। अब देखना ही होगा कितना ज्यादा पीएम मोदी की रैली जनता को साधने में कारगर साबित होती है। आप बने रहिएगा इसी के साथ, हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने का बीड़ा उठा चुके हैं। सीएम धामी रोजाना 2 से 3 विधानसभाओं में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं ताकि चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके। सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जारी है, जिसमें सीएम धामी जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए स्थानीय भाषा में अपने भाषण दे रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं सीएम धामी का भाषण, जिसमें जनता से कुमाऊनी में बात कर रहे हैं सीएम धामी। तो राम भक्तों का मजाक बनाते थे, जब आप कहते थे राम मंदिर बनाना है अयोध्या में, तो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी बातें करते थे। भाई नरेंद्र मोदी जी ने तारीख भी बताई और पूरे विधि विधान से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा हम वहां जाएंगे नहीं। अरे जाते भी कैसे, क्योंकि वहां पर वही जाता जिस पर राम की कृपा होती है। ये राम की कृपा से ये लोग सनातन के विरोधी हैं। ये जो सनातन है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, उस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं ये वो लोग हैं। लोकसभा चुनाव की बेला चल रही है, ऐसे में जनता से सीधा संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया स्टाइल अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो स्थानीय भाषा यानी खासतौर पर जहां भी जिस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, जहां भी चुनावी जनसभा करते हैं, वहां की जो क्षेत्रीय भाषा उस भाषा में जनता से सीधा संवाद करते हैं, क्योंकि जनता को यही उनकी जो भाषा है वो सीधे तौर पर उनको पसंद आती है और जनता उनके साथ जुटी नजर आती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता उनके साथ जुटी नजर आ रही है और अपार मात्रा में उन्हें आशीर्वाद और समर्थन देती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव के लिए सबसे बड़ा आसान तरीका है, इसीलिए बीजेपी चुनाव में अन्य दलों की अपेक्षा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नटना चाहता है कैंतुरा इंडिया वाइज देहरादून। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार को रोजगार, अंकिता भंडारी को न्याय, अग्निवीर योजना में नौजवानों को न्याय, चीन का भारतीय भूमि पर लगातार हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर मोदी अपने भाषण से संबोधित करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करेंगे, ना कि उत्तराखंड के मुद्दों की बात करेंगे। देखिए ऐतिहासिक ठीक बात है उनकी, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक हैं, भाजपा पूरा जोर लगाएगी, प्रधानमंत्री भी हैं पार्टी के स्टार प्रचारक, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिलने वाला है ये बता देना। क्या उत्तराखंड के नौजवानों को कोई रोजगार की सौगात मिलेगी? क्या उत्तराखंड की जो अंकिता भंडारी हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड हो गया, VIP कौन है, उस पर हमको न्याय मिलेगा? अग्निवीर योजना जहाँ 16 साल के लिए एक जवान भर्ती होता था, आप 4 साल के लिए संविदा में रख रहे हैं, उसमें हमको कोई न्याय मिलेगा? क्या हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है और तमाम विदेशी लोग हमारी सीमाओं में कब्जा कर रहे हैं, क्या उसमें हमको न्याय मिलेगा? कोई विशेष बजट हमको मिलेगा इस राज्य के लिए? क्या दिया है प्रधानमंत्री जी ने बताएं ना, कोई चीज़ दी हो तो हम कहें हाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में उत्तराखंड को विकास में काफी सफलता मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत 3,00,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश MOU साइन होने के साथ ही 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग भी तय हो चुकी है। प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से स्थानीय लोगों को अधिक संख्या में रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं।
वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे के साथ जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे क्षेत्र में 52 शक्ति केंद्र हैं, इसे 5-5 बूथों में बांटा गया है। सभी बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख आम जनता के बीच में प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद उत्तराखंड में लाउडस्पीकर और डोर टू डोर प्रचार शुरू किया जाएगा। हमने हमारे क्षेत्र में 52 शक्ति केंद्र हैं, जिनको हमने 5-5 बूथों के शक्ति केंद्र बनाए हैं, जिसमें से 3 शक्ति केंद्र बचे हैं। बाकी सभी शक्ति केंद्रों में जाके हमने शक्ति केंद्रों से बातचीत कर ली, वहाँ बूथों के अध्यक्षों को बुलाकर बूथ अध्यक्षों से बातचीत कर ली और उनके साथ बैठकर पन्ना प्रमुख तय कर लिए। अब लाउड स्पीकर का प्रचार या डोर टू डोर प्रचार मोदी जी 2 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद चालू। तो मतलब युवाओं का पूरा 100% की घोषणा के साथ देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसमें पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों को गाड़ियों में लगे अपने पार्टी के चिन्ह को हटाना जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर कई गाड़ियों से स्टिकर हटाए जा रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।